प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज प्रभु के वचन से अध्ययन के लिए रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय खोल लीजिए। पिछले हफ्ते हमने 10वें अध्याय का अध्ययन किया था। 11वां अध्याय उन विषयों से संबंधित नहीं है जिनका मैं और आप इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए 11 हम छोड़े जा रहे हैं। अब आज 12वें अध्याय को खोल लें। 12वें अध्याय के पहले दो पद हर प्रभु के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। रोमियो 12:1-2, वहाँ हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे प्रभु की दया स्मरण करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। काफ़ी लंबा वाक्य हो गया है ना, अभी उसको और लंबा खींचे देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की मतलब प्रभु की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और लंबा मैंने वाक्य खींच दिया है। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, ये वाक्य इतना लंबा हो गया है कि शुरू में क्या पढ़ा, आखिर में क्या पढ़ा याद नहीं है। फिक्र ना करें, प्रभु के वचन में जितने स्टेटमेंट्स हैं उनमें से याद रखने के लिए लंबा होते हुए भी बहुत ही सरल एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा। यहाँ दो बातें बताई गई हैं, मोटे तौर पर कहा जाए तो दो बातें बताई गई हैं। नंबर एक, तुम्हारा जीवन, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलना जरूरी है। नंबर दो, और जब तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम कुछ निश्चित कार्य करो। बस ये दो बातें हैं जो हमने इतना लंबा जो स्टेटमेंट या कथन पढ़ा था उसका सारांश। नंबर एक, तुम्हारा जीवन बदलना जरूरी है। नंबर दो, जीवन बदलने के लिए जो कार्य करने हैं वो तुमको करना है मेरे बच्चे। ये दो बात। आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ही सरल बात है। जी हाँ, प्रभु के वचन की विशेषता ये है कि प्रभु का वचन कठिन से कठिन बातों की चर्चा करता है, तो भी ऐसी भाषा में प्रभु का वचन हमसे बोलता है जिसको मैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। शर्त सिर्फ इतना है कि प्रभु का वचन हमसे जो कहना चाहता है उसके लिए, उसे सुनने के लिए हम तैयार हों। आपने कई बार बच्चों को देखा होगा जिनका सारा ध्यान किसी और है। मान लीजिए सड़क पर कोई जुलूस निकल रहा है या बैंड बाजा निकल रहा है, तो बच्चे का सारा ध्यान उधर है। पिताजी या माँ बाप उसको बुला के उससे कहते हैं, इधर आ पप्पू, तुझे फलाना फलाना काम करना है। तो पप्पू सर हिलाता जा रहा है, लेकिन पप्पू की आँख कहाँ है, सड़क पर है। फिर पिताजी को कहना पड़ता है कि अबे मैं जो कह रहा हूँ तू कुछ सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो वो कहता है कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उसकी नज़र अभी भी वहाँ। जब पिताजी बोलते हैं अच्छा तू सुन रहा है तो बता मैंने क्या कहा, तो पप्पू पिताजी की तरफ मुड़ के कहता है कि आपने कुछ कहा था क्या।
पिताजी 5 मिनट से बोलते जा रहे हैं और वो हाँ 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 कहता जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान उधर है, इसलिए पिताजी ने जो बोला उसको उसने नहीं सुना। सर हिलाता जा रहा है लेकिन मुंडी हिलाने से काम थोड़ी बनता है। एग्जैक्टली इसी तरह से जब प्रभु का वचन हमसे कुछ बोलता है तो हम यदि प्रभु की वाणी सुनने के लिए पूरी तरह से ध्यान देते हैं, ट्यून्ड हैं, तो प्रभु जो बोलते हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। मैंने अभी एक वाक्य का उपयोग किया था, ट्यून्ड है, इसका क्या मतलब है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तबला, उसके साथ जो होता है डग्गा, ढोलक, इस सबको प्रॉपरली ट्यून करके एक दूसरे के पास रख दिया जाए और उसमें से एक के ऊपर आप चोट करेंगे तो दूसरा अपने आप कांपने लगता है, उसमें से भी धीरे आवाज़, क्यों? यह सब के सब एक दूसरे के साथ ट्यून किए हुए हैं। उसी तरह से प्रभु की वाणी सुनने के लिए यदि हमने अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगाया हो तो प्रभु हमसे जो बोलना चाहते हैं उसको हम समझ जाएंगे। आज मैंने आपके सामने ये जो दो श्लोक पढ़े हैं या जो दो पद पढ़े हैं, इसमें ये दो बातें हम देखते हैं। नंबर वन, मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन बदलना जरूरी है। उसमें भी एक विशेष बात है, वो है कि तुम्हारा मन नया हो जाए। दूसरे पद में लिखा है इस संसार के समान ना बनो लेकिन तुम्हारा मन नया हो जाए। इसका क्या मतलब है? आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि किसी बच्चे को 4 ऐसे बच्चों के साथ बैठा दीजिए जो बात बात में गाली देते हैं, 4 दिन के बाद क्या होता है? उसके साथी ना हो तो भी उसकी मुंह से गाली निकलती है। कारण क्या है? 4 दिन उन लोगों के साथ संपर्क में आया तो उसका मन बदल गया। मन बदल गया तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मनुष्य के मन में जो है वही उसके मुंह से आता है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बच्चों इस संसार के समान मत बनो बल्कि तुम्हारा मन नया हो जाए। ये मेरे और आपके लिए है। जिस तरह से एक बच्चा, उसको गलत संगति में आप डाल दें तो 4 दिन उनकी बात सुनेगा तो वो भी उसी तरह से बात करने लगेगा, 4 महीने उनके साथ आप छोड़ दें तो जैसा वो सोचते हैं वैसा ही वो सोचने लगेगा। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मैंने और आपने, जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी इसी संसार में जीवन बिता रहे हैं। इस संसार में जहां हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो ना तो प्रभु के प्रति भक्ति है, ना प्रभु का भय मानते हैं, ना ही एक पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, जब 50 ऐसे लोगों के बीच में हम जिएंगे तो एक नया जीवन पाने के बावजूद संगति का असर होता है, और संगति का असर अच्छे से बुरा ज़्यादा होता है। एक बात बताइए कि सड़े गले फलों के बीच में 4 अच्छे फल ले जाकर आप रख देंगे तो सड़े गले फल अच्छे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। बल्कि यदि 4 अच्छे फलों को सड़े गले फलों से पूरी तरह से ढांक कर रख दिया जाए तो दिन भर के बाद क्या होगा? वो जो अच्छे फल थे वो भी सड़ गल जाएंगे। दूसरों के साथ संगति का यही असर होता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिनकी बोली सही नहीं है, जिनका सोच सही नहीं है, जिनके कर्म सही नहीं है, तो पहले हम उनकी बोली सीखेंगे, उसके बाद उनके सोच के समान सोचने लगेंगे, और जब हमारी बोली और हमारी सोच बदल जाती है तो उसके बाद कर्म हम उसी तरह के करने लगते हैं जैसी हमारी बोली है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो। देखो,
प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद, इस नए जीवन को पाने के बाद, हम इस संसार को छोड़कर आसमान में तो नहीं चले जाते, इसी संसार में रहते हैं। कल तक जिन लोगों के बीच में थे, आज भी उन्हीं लोगों के बीच में है, और आने वाले कल भी उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। हम कोई साधु संन्यासी तो नहीं है जो जंगल में जाकर अपने जीवन बिताते हैं। तो जिस बुरे संसार में हम थे, उसी में आज हैं और उसी में कल होंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे बच्चे तुम उनके बीच में हो, उनके समान मत बन जाना, उनके समान तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए, बल्कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा मन बदलता जाए। मन क्यों बदलता जाए? इसलिए कि मनुष्य का जो कर्म होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मन कैसा है। इसलिए मन का बदलना जरूरी है। तो प्रभु का वचन आज हमसे पहली बात ये बताता है कि संसार के सदृश मत बनो, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। मन नया हो सकता है क्या? जी हाँ, मन नया हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने नाते रिश्तेदार, मेरे विद्यार्थी देखे हैं जिन्होंने जीवन में कभी अनुशासित काम नहीं किया। जब इच्छा होती है तब लेट जाते हैं, जब इच्छा होती है तब उठते हैं, दांत साफ करना हो तो कर लिए, नहीं करना हो तो नहीं कर लिया, कपड़े बदलने हो तो बदल दिया, स्नान नहीं करना है तो नहीं किया। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने अपने स्कूली जीवन में और कॉलेज के जीवन में। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इस तरह से मन माना जीवन बिताते थे, सब आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में भर्ती हो गए तो वहाँ क्या होता है? वहाँ तो डंडा चलता है, जो भी आपके ऊपर सूबेदार है उसका डंडा चलता है। तो सुबह जो सुबह 8 बजे से पहले आंख नहीं खोलता था, 3 बजे जब सूबेदार डंडे के साथ उसके सर पे खड़े हो जाते हैं कि उठो अब, 4 दिन में वो उठने लगता है, 4 हफ्ते में उसकी सारी आदतें बदल जाती हैं। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे जो साल भर की मिलिट्री की ट्रेनिंग के बाद वापस आए तो सुबह ठीक 4 बजे, कोई अलार्म नहीं चाहिए, कोई घंटी नहीं चाहिए, कोई बुलाने की ज़रूरत नहीं है, चाय पिलाने की ज़रूरत नहीं, 4 बजे उनकी आँख खुल जाती है, अपने आप शेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, 5 बजे तक एकदम से बिल्कुल फड़का फाइट आपके सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? ट्रेनिंग से उनकी सोच बदली, और सोच बदले के कारण आदत बदली। मैं और आप जब प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब इस तरह से एक अनुशासन की प्रक्रिया से होकर गुजरना जरूरी है जो हमारी सोच को बदल दे, जो इस बात को याद दिलाए कि आज से मेरा जीवन मेरी इच्छा के अनुसार मनमाना जीने के लिए नहीं है, मेरा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए है। और यदि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूँ तो मेरे जीवन में अनुशासन होना चाहिए, मेरे जीवन में कायदा कानून होना चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। आज शाम को पहली बात जो सभी भाइयों और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज से शायद महीने भर पहले आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया होगा, साल भर पहले किया होगा, 10 साल पहले किया होगा, कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इन महीनों में और इन सालों में क्या आपने इस बात की कोशिश की कि जो नया जीवन मिला है उस नए जीवन के अनुसार आपका जीवन ढल जाए, उसके लिए आपका मन बदल जाए, इसकी आपने कोशिश की है क्या? और यदि कोशिश नहीं की है तो सवाल यह है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की? भाई, यदि आपको किसी स्कूल में या कॉलेज में भर्ती कर देते हैं तो अध्यापक पहले दिन से आपको बाकायदा याद दिलाता है कि फलाने टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक खरीद लेना, कॉपी खरीद लेना, और पहले दिन से क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको नोट कर लेना,
तो इसी तरह से जब हम आत्मिक जीवन में नया जीवन पाकर प्रभु की संतान बन गए हैं, तो सवाल यह है कि पिछले महीनों में, पिछले सालों में आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? जब सांसारिक जीवन में बदलाव आना जरूरी है और जब हम इस बात को समझते हैं तो आत्मिक जीवन में तो बदलाव आना और भी जरूरी है, क्यों नहीं समझा? इस कारण आज यदि सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसके जीवन में अभी तक इस तरह का बदलाव नहीं आया है तो आज शाम को मैं उनका आह्वान करता हूँ कि मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इस बात को समझ लें कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है। और चूंकि परिवर्तन जरूरी है, इसलिए हम सब अपने जीवन को एक क्षण मुड़ कर देखें कि वो बदलाव आया है क्या। और यदि नहीं आया है तो आज हम ठान लें, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई कि मैं आपका बच्चा बन गया, लेकिन आपके बच्चे के समान मेरी सोच बदले, उसके लिए मुझे जो करना था वो मैंने नहीं किया। इसलिए हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मेरी सोच प्रभु आज से बदलना शुरू हो जाए। और जब आप इस तरह से अपने आप को बदलने के लिए प्रभु के प्रति या प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद क्या करना है ये पहले पद में हम देखते हैं। वहाँ लिखा है, मैं प्रभु की दया स्मरण खिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। इसका क्या मतलब है बलिदान करके चढ़ाओ? जब हम कोई चीज प्रभु को अर्पित कर देते हैं, तो अर्पित करने का क्या मतलब है? अर्पित करने से पहले वो मेरा था। देखिए, मान के चलिए कि हम इस तरह से बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहता है खड़े होकर कि मैं प्रभु यीशु की सेवा के लिए फलानी जगह यात्रा करना चाहता हूँ, काफ़ी दूर जाऊँगा, वहाँ लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं वहाँ जाकर प्रभु का संदेश सुनाऊँगा, जाने आने में काफ़ी खर्चा बैठेगा, मुझे वहाँ रहने के लिए भी खर्चा आएगा, और उसके अलावा भी थोड़े बहुत खर्चे हैं, और आज मैं आप लोगों के सामने ये प्रार्थना के लिए बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जाना है लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति कहता है कि हे भाई, आप जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ आकर सेवा करूं, लेकिन नौकरी के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे जो इनकम, जो भी प्रभु ने मुझे आय दी है, उसमें से एक हिस्सा, ये 500 रुपये मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे कि ये लेकर इसे आप मुझसे ग्रहण कर लें और आपका जितना भी खर्चा आएगा उसमें से एक हिस्सा इसके द्वारा चल जाएगा। ऐसा अपन करते हैं या नहीं करते? कई बार करते हैं। तो वो पैसा जो 10 मिनट पहले तक आपकी जेब में था, जिसको आपने अपनी जेब से निकाल कर वो व्यक्ति जो प्रभु की सेवा के लिए जा रहा है उसको दे दिया, प्रभु के नाम में दे दिया, अब वो पैसा आपका है या उसका है? अब वो उसका है, आपने उसको दे दिया है। जब तक आपने उसको नहीं दिया था तब तक वो पैसा आपका था। जब वो खड़े होकर बोल रहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उस समय भी पैसा आपका था, आपकी जेब में था। उसने आकर आपकी जेब में हाथ नहीं डाला, उसको तो मालूम ही नहीं था कि आपकी जेब में पैसा है, लेकिन उसकी वाणी सुनकर प्रभु ने जब आपके मन में काम किया और आपने जेब से पैसा निकाल कर उसको दे दिया, तो उसके साथ साथ वो अर्पित हो गया। प्रभु का वचन ये कहता है कि अपने शरीरों को प्रभु के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाओ। इसका मतलब यही है कि जब हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, जो वाणी ये कहती कि मेरे बच्चे, तूने मुझसे, मेरे द्वारा एक नया जीवन पाया, अब तू अपने मन को मेरे लिए अर्पित कर दे, जिससे कि मैं तेरे सोचने का तरीका बदल सकूं, उस
प्रभु की वाणी को सुनकर जब मैं या आप प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी करुणा में मुझे नया जीवन दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को बदल दें, और इस कारण अपने वचन में आपने जो कहा है उसके अनुसार मैं अपने शरीर को आपके हाथों में अर्पित कर देता हूँ। जब हम ये बोलते हैं तो उसके साथ साथ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, जिससे कि प्रभु मेरे और आपके शरीर को अपने हाथों में लेकर उस पर अनुग्रह दें और अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करें। तो एक बार जब प्रभु का बच्चा अपने शरीर को प्रभु के हाथों में अर्पित कर देता है तो उसके बाद उसे कई बातें याद रखनी चाहिए। नंबर वन, हमारी सोच, हमारा मन वो इस शरीर के अंदर है। चूंकि ये शरीर हम प्रभु को अर्पित कर चुके हैं, इसलिए हमारी सोच को नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल करना होगा, अनावश्यक बातें मन में आने ना दें। यदि अनायास अनावश्यक बातें आ जाती हैं तो हम उस बात के ऊपर बैठकर ना सोचें बल्कि उसको छोड़ दें, ये जानकर, ये समझकर कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ और मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये शरीर चूंकि हम प्रभु को अर्पित कर चुके हैं, इसलिए जब मेरे और आपके दोस्त बैठकर अनावश्यक बातें करते हैं तब हमको याद रखना चाहिए कि ये मुंह इस शरीर का अंग है और ये शरीर मैं प्रभु को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरी वाणी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। मेरी वाणी से ऐसी कोई ऐसा वाक्य नहीं निकलना चाहिए जो कि प्रभु का अपमान करता हो, जो प्रभु के बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। कल को जब आपके दोस्त यार कहें कि अरे यार छुट्टी का समय है, आओ थोड़ा सा बैठकर गपशप करें, आपको मालूम है कि गपशप का क्या मतलब है। आपस में बैठेंगे, पहले गाली गलौज करेंगे, फिर अनावश्यक बातें करेंगे और उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा मद्यपान करें। आप इस बात को जानते हैं कि जब आपका साथी कहता है कि छुट्टियों का दिन है, आओ आपस में बैठकर थोड़ी सी मस्ती करें, थोड़ा सा गपशप करें, तो उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी बातचीत करें, बल्कि उनके कहने का मतलब है कि साथ बैठकर थोड़े से ऐसे कर्म करें जो कि मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। और इस कारण आप चूंकि प्रभु की संतान है और चूंकि आपने अपने शरीर को प्रभु के हाथों में अर्पित कर दिया है, इसलिए जब आपके साथी लोग इस तरह से आपसे बोलते हैं तो उस समय बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही बुद्धि के साथ आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। यदि आप उनसे कहें कि देखो मैं तो अब प्रभु यीशु का बच्चा हूँ, तुम्हारे समान कुकर्म नहीं करता, तो वो लोग नाराज और हो जाएंगे और कल को आप प्रभु के बारे में उनसे दो वाक्य नहीं बोल सकेंगे। तो उनसे अलग होने का मतलब ये नहीं है कि उनको बुरा भला कहें, उनसे अलग होने का मतलब ये है कि बहुत ही सावधानी के साथ उनको बुरा भी ना लगे और आप उनसे अलग भी हो जाएं, इस तरह से बुद्धि के साथ बातचीत करें। उनको जाकर जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए, आप बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही बुद्धि के साथ उनसे बात करके अलग हो जाइए, लेकिन आपसी संबंधों को ना बिगाड़ें, आपसी संबंधों को ना तोड़ें। क्यों? इसलिए कि कल यदि प्रभु यीशु का शुभ संदेश उनको सुनाना है तो आप ऐसे व्यक्ति को ये संदेश सुना सकते हैं कि जिससे आपने झगड़ा किया है, जिसको आपने आज कहा है कि अरे तुम पापी हो, निकम्मे हो, कुकर्मी हो। नहीं, क्या प्रभु ने ऐसा किसी से कहा? नहीं, प्रभु ने कहा हे सब थके हुए लोगों, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु के बच्चे का यही सोचने का तरीका होना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम मुझे विश्राम नहीं दे सकते, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा
तो बहुत ही केयरफुली बोलूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा तुमसे कि तुम्हारे कर्म बुरे हैं। जब तुम कल को मुझे बुलाओगे तो मैं उनसे कहूंगा कि देखो भैया आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मैं अन्यत्र व्यस्त हूं। इस तरह से बड़ी सफाई से उससे बचकर, लेकिन उनसे अच्छा संबंध रख के हम अलग हो जाए, उनके कर्मों में भागी ना हो, जिससे कि कल आप उनसे कह सकें तुम्हारे जीवन में भार है क्या, तुम अपने जीवन में परेशान हो क्या, तुम दर्द से पीड़ित हो क्या, मानसिक रूप से तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है क्या। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, मैं भी तुम्हारे समान एक नश्वर व्यक्ति हूँ, मैं भी तुम्हारे समान बीमार पड़ता हूँ, मेरा शरीर भी तुम्हारे शरीर के समान दर्द का अनुभव करता है, भूख का अनुभव करता है, मैं भी परिवार के कारण जैसे तुम दुखी हो वैसे ही दुखी हूँ, नौकरी में जिस तरह से तुम परेशान होते हो मैं भी परेशान होता, लेकिन एक फर्क है मेरे प्रिय भाई या बहन, और वो फर्क यह है कि मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, मैंने अपना शरीर प्रभु को अर्पित कर दिया है, और चूंकि मैंने अपना शरीर प्रभु को अर्पित कर दिया है इस कारण मेरा मन भी प्रभु का है, मेरे सारे कर्म भी प्रभु की इच्छा के अनुसार है, और इस कारण मेरे जीवन में एक विशेष शांति है, एक विशेष खुशी है, एक विशेष स्थिरता है, जिसके कारण इन सब परेशानियों के होते हुए भी मैं दृढ़ता के साथ अपने जीवन में खड़ा हूँ, और मेरे जीवन में एक विशेष प्रकार की खुशी मैं सबके सामने प्रदर्शित कर लेता हूँ, इस कारण मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरे पास आओ, मुझसे जानो, मुझसे सुनो, मुझसे जानो कि ये नया जीवन क्या है। मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम ये नया जीवन कैसे पा सकते हो। ये है प्रभु के एक बच्चे का व्यवहार। ठीक है, तो आज हमने दो बातें सुनी, वो दो बातें मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है, संसार के समान बनने के बदले हमारा चाल चलन हर दिन बदलना चाहिए। नंबर दो, यदि हम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन बदले तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीरों को बलिदान के रूप में प्रभु को अर्पित कर दें। इसके साथ साथ एक तीसरी बात भी यहाँ बताई गई है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है वो जो हमने पढ़ा था उसके आखिर में, जिससे तुम प्रभु की इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या आपका ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं, ऐसा अच्छा दोस्त जिसको कई बार बताना नहीं पड़ता है, बताए बिना ही वो समझ जाता है कि आपके मन की इच्छा क्या है। एक्चुअली यदि हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो तो आपकी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो बताए बिना ही समझ जाती है कि आपको क्या चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि पत्नी के बताए बिना ही आपका अनुमान हो जाए कि पत्नी को क्या चाहिए। बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको ये अनुमान हो जाता है कि आज पिताजी क्या चाहते हैं, माताजी क्या चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम में से किसी का जीवन परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस बात को जानते हैं कि पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, दोस्तों के बीच में ऐसा कई बार होता है जब आपके बताए बिना ही वो व्यक्ति समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और वो वैसा ही करता है। ऐसा होता है कि जी हाँ, ऐसा होता है। मेरे कई दोस्त हैं जो इन बातों को जानते हैं और उनको बताए बिना ही वो उन कामों को करते हैं। मेरे परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं, जो इन बातों को समझते और बिना बताए ही वो चीज़ें मेरे लिए कर देते हैं। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, कि वो मुझसे क्या उम्मीद करते हैं इस बात को मैं समझ सकूं। इसमें कोई परफेक्शन नहीं है, मैं सर्वज्ञानी नहीं इसलिए पूरी रीति से तो नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी अक्सर समझ लेता हूँ। प्रभु का वचन यही कहता है कि प्रभु की इच्छा अनुभव से मालूम करो। जब हम प्रभु की निकटता में जीवन बिताते हैं तो जिस तरह से हमारी पत्नी जो हमारे निकट है, पति जो हमारे निकट है,
बेटा या बेटी जो हमारे निकट है, माँ बाप जो हमारे निकट है, मित्र जो हमारे निकट है, वो लोग जिस तरह से हमारे मन की इच्छा पहचान लेते हैं, उसी तरह से जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो मेरे आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है, इसको हम धीरे 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 समझने लगते हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे प्रभु के बच्चों को, जो जब कोई निर्णय लेते हैं तो हमको आश्चर्य होता, अरे आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ऐसा निर्णय क्यों लिया। वो कहता है कि ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने मुझसे कहा और इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे याद है आज से 25 साल पहले जब मैं अपना मकान बनवा रहा था, 25 साल पहले मकान काफ़ी सस्ता बन जाता था, ये भी मैं बता दूं, एक ऐसी स्थिति आई जब हाथ में लगभग सारा पैसा समाप्त हो गया, बहुत ज़रूरी कुछ काम और बचे हुए थे। मैं सोच रहा था, हे प्रभु, हाथ में जितने पैसे थे सब ख़त्म, किसी से मांगा नहीं जाता, क्या करूं। उस दिन दोपहर को मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें एक भाई ने मुझे एक पत्र लिखा था, मेरे प्रिय भाई, मैं प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि यह गिफ्ट मैं आपको भेजूं। 25,000 रुपए का चेक था, ना तो उसके पहले उस भाई ने मुझे कोई पत्र भेजा, ना उसके बाद कोई पत्र भेजा। हम कभी कभी मिलते हैं, दोनों प्रभु के दास हैं। मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मैं मकान बनवा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बोला था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। जब हमारी अगली मुलाकात हुई, जब मैंने उनसे कहा कि प्रभु भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने कहा, ब्रदर, प्रभु ने मुझसे कहा इसलिए मैंने भेजा। उनको कहीं से एक साथ पैसे मिले तो वो ये सोच रहे थे कि क्या करूं, प्रभु ने उनसे कहा, प्रभु ने उनके सामने प्रत्यक्ष होकर थोड़ी कहा था कि वो उधर शास्त्री को इतने पैसे भेज दो, नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के साथ ट्यून्ड है, वो अनुभव से प्रभु की इच्छा जानता है। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से 25 साल पहले 25,000 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी। उस समय हमारा सारा मकान 4,00,000 रुपये में बन गया था। 4,00,000 रुपये में जो मकान बन गया, मतलब 2 मंजिला मकान यदि 4,00,000 में बन गया, तो 25,000 तो उसमें बहुत बड़ी राशि है। मकान के पूरी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो। कैसे हुआ, उस भाई को कैसे पता चला? वो भाई प्रभु के साथ निकटता, बहुत निकटता है, इसलिए उसने इस बात को जाना कि ऐसा करना है। ये है प्रभु के कहने का मतलब। कई बार लोग जो करते हैं वो देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ। इसलिए हुआ कि वो व्यक्ति प्रभु के करीब है, प्रभु के निकट है, इसलिए उसने प्रभु की इच्छा को जाना, जो कि अन्य लोगों के लिए मुश्किल है इस बात को पहचानना। क्यों? इसलिए कि वो प्रभु के निकट नहीं है। इस बात को हम सब अच्छी तरह से समझें। ये 3 बातें आज मैंने आपको बताई। पहली बात, हमारा मन बदलना जरूरी है। दूसरी बात, मन बदलना हो तो शरीर प्रभु को अर्पित करना जरूरी है। तीसरी बात, जब हम अपने शरीर प्रभु को अर्पित कर देंगे तो धीरे धीरे हम प्रभु के करीब आते जाएंगे, निकट आते जाएंगे, और जैसे जैसे प्रभु के निकट आते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु की वाणी हम इस तरह से सुनने लगेंगे जो दूसरे लोग नहीं सुन सकते। प्रभु की इच्छा को हम अनुभव से पहचान लेंगे। प्रभु की इच्छा को पहचान कर हम ऐसे कार्य करने लगेंगे जो प्रभु चाहते हैं कि हम करें। आज शाम को मैं यहाँ जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, बच्चे हों या बड़े, उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, क्या आपने अपने मन को बदलने के लिए प्रभु के हाथ में दे दिया है? और यदि दे दिया है तो अब आप प्रभु के इतने करीब, इतने निकट पहुंच चुके हैं क्या कि आप प्रभु की वाणी को सुन सकते हैं या अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को समझ सकते हैं?
इन सब बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।